सभी का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज कर रहे हैं, यानी हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं शुरू से यहाँ पर यूट्यूब पर भी। और सबसे पहला लेक्चर जो था वो था सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान के स्रोत। और उसके बाद हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन पढ़ा, यानी भाग एक पढ़ा। फिर उसके बाद पार्ट टू सिटीजनशिप पढ़ा, ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं वो पीछे जाके देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने आज जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थ्री, यानी तीसरा भाग संविधान का, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक भैया, तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ने की शुरुआत करेंगे। मौलिक अधिकारों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हर व्यक्ति अपने जीवन में इसको कभी ना कभी सुना ही रहता है। जिसने कभी जीवन में सिविक्स, राज व्यवस्था, पॉलिटी नहीं पढ़ी है, उसके मन में भी कभी ना कभी मौलिक अधिकार आ ही जाता है, क्योंकि कभी ना कहीं वो सुना ही रहता है। तो देखिए होता क्या है, यानी फंडामेंटल राइट क्या होता है। एक बात बताइए, एक सीधा सा सवाल मेरा आपसे, क्या किसी भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए? यस और नो? यस डेफिनेटली होना चाहिए। तो क्या किसी व्यक्ति का मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए भैया? अरे सही गलत की पहचान है ना, केला खाओ तो केले का छिलका डस्टबिन में फेंको, सड़क पे नहीं फेंकना है। किसी का पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, राजनीतिक विकास बिल्कुल होना चाहिए, राजनीतिक समानता हो, वोट देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का राइट हो, है ना। और इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं, भेदभाव ना हो आपके साथ, शिक्षा वगैरह मिले, होना चाहिए। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, अपना सपना मनी मनी ऐसा वैसा बिल्कुल होना चाहिए। तो यानी देखिए एक बार समझिएगा, किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास के लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं, उन्हीं अधिकारों को हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, यानी उन्हीं अधिकारों को हम फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार किसी भी, कोई भी ऐसे बोलिए, किसी भी व्यक्ति का सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट के लिए जरूरी अधिकार ही कैसे अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास, चारों ओर का विकास, किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकारों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री में रखा गया है, यानी भारतीय संविधान के भाग तीन में पार्ट थ्री में इंडियन इसे मेंशन किया गया है, यानी मौलिक अधिकारों को रखा गया है। कहां से लेके कहां तक, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक, यानी आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इसे मेंशन किया गया है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, यानी मौलिक अधिकारों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ऐसा मैं कह रहा हूँ, मौलिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं क्योंकि नागरिकों के लिए अधिकारों के तौर पर संविधान में अगर कुछ है तो वो है मौलिक अधिकार। यानी नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख, नागरिकों के विकास के, सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए विशेषता अधिकारों को कहाँ रखा गया है, संविधान के पार्ट थ्री में रखा गया है, यानी भाग तीन में रखा गया है। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात अधिकारों के तौर पे क्या है, फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है, इसीलिए इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अब बात करते हैं सर कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट, हालांकि हमारे यहाँ क्या, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकारों का जन्म कहाँ हुआ होगा, यानी ये पैदा कहाँ से हो गए फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसा कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों का जन्म इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में हुआ है ना। मैग्ना कार्टा एक जगह है, इंग्लैंड के एक राजा थे जिनका नाम था राजा जॉन सेकंड। क्या नाम था? राजा जॉन सेकंड। और राजा जॉन सेकंड मैग्ना कार्टा में अपने इंग्लैंड के वासियों के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा करते हैं। और राजा जॉन के द्वारा उस समय जिन अधिकारों की घोषणा की गई, यानी जिन अच्छे सकारात्मक अधिकारों की घोषणा की गई, उसी को हम मौलिक अधिकारों के जन्म के रूप में देखते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हालांकि हमारे भारत देश में इंग्लैंड से बोरो नहीं किया गया, अगर पूछा जाए कि भारत देश में ये कहां से आया है तो यूएस से, यानी अमेरिका से लिया गया, लेकिन इसका जन्म इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा। अब इसीलिए देखिए कुछ भी, अब मैग्ना कार्टा में एक तरह से अधिकारों की घोषणा हुई थी, मैग्ना कार्टा में एक तरह से राइट्स की घोषणा हुई थी। इसीलिए जब कुछ भी अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन, देखो अंग्रेजों के जमाने में भी जब बनते थे
जो हमारे भारतीयों के लिए थोड़े अच्छे प्रतीत होते थे, तो उनको जो जानकार लोग थे वो मैग्ना कार्टा कह देते थे, यानी ये मैग्ना कार्टा। ऐसे मौलिक अधिकारों को भी संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अरे जाहिर सी बात है, आपके गांव में कल्लू है, कल्लू का समोसा बहुत अच्छा लगता है आपको, बड़ा फेमस समोसा, बहुत अच्छा है। आप शहर गए, वहां आपने समोसा खाया किसी दुकान पर, और सेम वैसा ही टेस्ट आया आपको, तो आपके मुंह से निकलेगा, अरे यार ये तो कल्लू वाला समोसा। तो वही सेम बात है कि यानी अधिकारों की घोषणा वहां पे पहली बार हुई थी, और यहाँ संविधान में अच्छे अधिकारों के रूप में, यानी संविधान में नागरिक अधिकारों के रूप में क्या है, मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है। इसीलिए इसे संविधान का मैग्ना कार्टा और भारत का भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है? अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट। हम थोड़ा सा मौलिक अधिकारों की विशेषताएं देख लेते हैं, यानी मौलिक अधिकारों के फीचर्स देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे सबसे पहला एक बात ध्यान दीजिएगा सर, अधिकार कभी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, अधिकार कभी असीमित नहीं होते हैं, परफेक्ट नहीं होते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं। और वैसे ही कोई भी अधिकार कभी अगर सही तरीके से देखा जाए, हम बहुत ज्यादा दर्शनवादी ना बने, अगर देखा जाए तो कोई अधिकार क्या पूरी तरीके से किसी को दिया जा सकता है? क्या कभी भी कोई अधिकार क्या एकदम पूर्णतः किसी को मिल सकता है? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के साथ भी है, फंडामेंटल राइट परफेक्ट नहीं। अरे मेरे भाई समझो कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन का अधिकार मिला है, किसी व्यक्ति को, इवन क्या पूरे भारत देश के निवासियों को राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, तो क्या फांसी नहीं लगती है? क्या फांसी भी तो लगती है ना। तो अधिक इसका यह क्या मतलब है कि ये अनलिमिटेड नहीं है, यानी पूरी तरह से असीमित नहीं है, यानी ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, ठीक है, यानी इसमें लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं, इसको कम किया जा सकता है। इसीलिए इसका पहला फीचर है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परफेक्ट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। क्लियर है? सबसे पहला। दूसरा एक बार ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल है। इन्फोर्सिएबल का मतलब प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय का मतलब जस्टिसिएबल है, यानी वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, यानी अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई पॉइंट है ना, अगर मान लो ये जो है ऊपर जो बना हुआ है ये आपका मौलिक अधिकार है और ये आपको नहीं मिल रहा है, तो ये संविधान में है, मेंशन है, नहीं मिल रहा है, तो ये कोर्ट में जस्टिशिएबल है, यानी आप इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सीधा सा एक एग्जांपल लेकर समझो, जैसे मौलिक अधिकारों में लिखा है कि रोज सुबह स्टेट आपको एक रसगुल्ला देगी। अब आपके मौलिक अधिकार है, जज्बाती नहीं होना, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्टेट आपको रोज सुबह एक रसगुल्ला देगी। अब स्टेट ने रसगुल्ला नहीं दिया तो आप सीधे जा सकते कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, भैया ये क्या हो रहा है, मतलब राइट्स देना तो स्टेट की ड्यूटी है ना, राइट्स को एग्जीक्यूट करना तो स्टेट की ड्यूटी है, लेकिन नहीं दे रही है, यानी ये जस्टिसिएबल है, इन्फोर्सिएबल है, इनको लागू किया जा सकता है। क्लियर है? किया जा सकता है क्या, कि डेफिनेटली किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तीसरा जो फीचर भैया, नेचर जो इसका होता है वो नेचर नेगेटिव होता है, यानी इसका नेचर नकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है यानी नेगेटिव होता है। नकारात्मक नेचर का मतलब समझिएगा जरा सा, नकारात्मक नेचर का मतलब है कि स्टेट मौलिक अधिकारों को देने के लिए बाउंड है, स्टेट बाध्य है, स्टेट आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, स्टेट मौलिक अधिकारों को एग्जीक्यूट करने के लिए मना नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकार जो लिखे हैं ना, एकदम नेगेटिव सेंस में लिखे गए, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट ऐसा नहीं करेगी है ना, स्टेट भेदभाव नहीं करेगी। तो बात समझिएगा, ये नॉट नॉट, देखो एक बार समझो, नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस आप लोग अगर ना समझते हो तो थोड़ा सा मैं दो वाक्य लिखता हूँ, दोनों वाक्यों में आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक नेगेटिव सेंटेंस में लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूं मैं चोरी मत करो, ये एक नकारात्मक वाक्य है, और एक मैं कह रहा हूं कि गरीब की मदद करो, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, गरीब की मदद करो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, चोरी मत करो एक नेगेटिव सेंटेंस है। अगर चोरी मत करो मतलब चोरी आपको डेफिनेटली नहीं करनी है, अगर चोरी करोगे मान लो इंडिया के सेंस में देख लिया जाए, चोरी करोगे तो उसमें क्या होगा, कानून का उल्लंघन होगा, कूदे जाओगे, ठीक। लेकिन दूसरा कह रहा है गरीब की मदद करो, एक पॉजिटिव सेंटेंस, अगर गरीब की मदद नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोरी नहीं करना है, डेफिनेटली उसे नहीं करना है, ठीक। वैसे स्टेट के साथ और इसका संबंध है फंडामेंटल राइट को, स्टेट को इसे देना ही देना है, अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को एग्जीक्यूट नहीं करती, यानी आपके मौलिक अधिकारों का अगर वायलेशन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप डायरेक्ट जुडिशियरी का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी जुडिशियरी के थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया गया है, भारतीय संविधान के द्वारा इसे जुडिशियरी के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है, यानी आपके मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अंडर आर्टिकल 32 आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो,
अंडर आर्टिकल 226 आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों हायर जुडिशरी है और मौलिक अधिकार हमारे भारत देश में हायर जुडिशरी के द्वारा क्या है, प्रोटेक्टेड है। यानी जुडिशरी, हायर जुडिशरी एक तरीके से देखा जाए तो मौलिक अधिकारों का अभिभावक है, यानी मौलिक अधिकारों का गार्जियन है आपके फंडामेंटल राइट के हनन के मामले में। यानी आप स्टेट के खिलाफ, देखो ये भी बात देखो, ये इसमें भी एक तरह से नकारात्मकता दिख रही है, स्टेट के अगेंस्ट आप जुडिशरी का दरवाजा खटखटा रहे हो, यानी राज्य के खिलाफ आप कोर्ट चले जा रहे हो, है ना। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट टिकनिंग करके कहाँ चले जा रहे हो, 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्ट, और 226 के थ्रू कहाँ जा सकते हो, डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। मतलब समझे, यानी इसका नेचर क्या होता है, निगेटिव होता है। इसकी पहला फीचर एब्सोल्यूट नहीं है, यानी परफेक्ट नहीं है, अत्यंतिक नहीं है, असीमित नहीं है, लिमिटेड किया जा सकता है, लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं, है ना। जीवन का अधिकार है तो फांसी भी लगती है। दूसरा जस्टिसिएबल है, यानी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, वाद योग्य है, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं हम इसको लेकर, इसके किसी भी पॉइंट्स को लेकर, ठीक। दूसरा इसका नेचर कैसा होता है, निगेटिव होता है। और एक और फीचर देखिएगा कि ये कहाँ से लिया गया है, यूएस से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों के मामलों में सर थोड़ी सी बात और अगर कर ली जाए तो क्या मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिले हैं या विदेशियों को भी मिले हैं? तो कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, बाकी कुछ अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है सर, जैसे आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है, तो कोई विदेशी आएगा तो उसका जीवन छीन लोगे क्या? उसे भी तो जीवन का अधिकार, उसे भी तो जिंदा रहने का हक है भैया, ना, उसे भी तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लाइफ, तो उसे भी, है ना। तो बिल्कुल, यानी भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी मिले हुए हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में। कहां से लेके कहां तक है? 12 से लेके 35 तक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अच्छा बताइए, मौलिक अधिकार अगर स्टेट भी छीने तो उसके अगेंस्ट कहां जा सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा, यानी स्टेट के अगेंस्ट भी हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी स्टेट के अगेंस्ट भी हम जुडिशरी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर इस बात को याद रखेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट जब समझिए, जब हमारा संविधान बना, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी हमारे संविधान में कुल 7 फंडामेंटल राइट थे, यानी कुल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो अभी हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार है भैया? 6 फंडामेंटल राइट है, यानी कुल 6 मौलिक अधिकार है। बाकी कहाँ गया? तो एक फंडामेंटल राइट रिपील कर दिया गया, वो कौन सा था? तो जो 7वां फंडामेंटल राइट था, जो एक फंडामेंटल राइट रिपील किया गया, वो अंडर आर्टिकल 31 और अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज एफ, दो जगह इसको चर्चा की गई थी। और ये मौलिक अधिकार हमारा था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी इसको हम लोग कहते हैं संपत्ति का अधिकार। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, यानी राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? फंडामेंटल राइट था। अब ध्यान देना, अगर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा मौलिक अधिकार है तो क्या हमारी प्रॉपर्टी कोई हमसे छीन सकता है? इवन स्टेट भी चाहे तो छीन सकता है, राज्य भी अगर हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीनना चाहे तो छीन सकता है क्या? नहीं छीन सकता, ठीक। अगर मान लीजिए राज्य को कोई सड़क बनानी है और आपके खेत से लेके जाना है उसको, अब आप अड़ गए, नहीं हम अपने खेत से नहीं जाने देंगे, और राज्य आपको कह रहे भैया जाने दो, हम तुमको 3-4 गुना पैसा दे देंगे, हाँ हम तुमको जो है क्या कहते हैं कहीं और इतनी जमीन खरीद लो, वहाँ खेती करो आप, अगर आपको खेती करने की बात हो, आप करो ना, ये जमीन हमारे लिए पूजनीय है, हम इसकी पूजा करते हैं, हमारे बाबा की जमीन है, दादा की जमीन है, हम इसमें धनिया बोते हैं और यहीं धनिया खाएंगे और कहीं धनिया नहीं खाएंगे, कुछ भी हो जाए हम यहीं का धनिया खाएंगे, है ना। आप एकदम बस बैठ गए, सरकार के लिए आप दे दो, नहीं दिए, सरकार ने आपसे जबरदस्ती मान लो छीन लिया, तो आप उसके खिलाफ कहाँ चले गए? सीधे अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी सुनाई खरी कोटी और आपकी जमीन भी दिलाई, आपने जो केस लड़ा था वो भी पैसा दिलाया, है ना, ऊपर से सारा नुकसान आपने सरकार का ही कराया, ठीक। तो इससे क्या होता था? इससे विकास प्रभावित होता था, इससे डेवलपमेंट प्रभावित होता था, और इन्हीं सारे और भी बहुत सारे कारण थे, इन्हीं सारे कारणों की वजह से मोरारजी देसाई की उसमें गवर्नमेंट थी हमारे भारत देश में, पहली बार हमारे भारत देश में कोई गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी थी, जनता पार्टी की सरकार थी, और जनता पार्टी की सरकार के द्वारा क्या किया गया, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, एक संशोधन हुआ, उसका नाम हुआ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, और इसके द्वारा क्या कर दिया गया, इसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिपील कर दिया गया, यानी वहां से हटा दिया गया। ये था 31 में पहले,
आर्टिकल 31 में इसको ले जाके रख दिया गया कहां, 300A में, यानी 300 का में ले जाके रख दिया गया। और पहले जो ये हमारा मौलिक अधिकार था इसको मौलिक अधिकार से हटा के कैसा राइट बना दिया गया, इसको लीगल राइट बना दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से हटा के इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी लीगल राइट बना दिया गया। क्लियर है? यानी इस समय ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कैसा राइट है, लीगल राइट है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी हमारा विधिक अधिकार है। एक बात ध्यान देना भैया, एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा कि देखिए इससे सवाल कैसे बनते हैं। पहले हमारे भारत देश में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अभी कितने फंडामेंटल राइट है? 6। सातवां कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। उसे क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कैसा अधिकार बना दिया गया उसे? विधिक अधिकार, यानी कानूनी अधिकार। देखिए कानूनी अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आपकी जमीन आपसे छीन ली गई, बस ये है कि फंडामेंटल राइट्स की तरह वो गारंटीड नहीं है, है ना, फंडामेंटल राइट की तरह वो गारंटीड नहीं है, बस इतना सा है। अब अभी भी आपकी जमीन आपकी की है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले कौन से आर्टिकल में था? 31। कहां ले जाकर रखा गया? 300A। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स होते हैं इससे जो छोटे छोटे एग्जाम में आपके यहाँ पूछे जाते हैं, जो आते हैं आपके यहाँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ, तो यानी कितने फंडामेंटल राइट बचे जो हमें पढ़ने हैं? 6 मौलिक अधिकार बचे जो हमें क्या करना है, पढ़ना है, जो हमें आगे ही अभी आगे पढ़ना है, जिसमें आप एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख के फिर एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि अलग अलग क्या है फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहला जो हमारा है ये देख लो भैया, ये लिखा हुआ है वेकुल 10। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं और ये रेफरल कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा नाम आप लोग जानते ही हैं, विपुल त्रिपाठी, एजुकेटर ऑफ पॉलिटी एंड हिस्ट्री। अगर आप ये अप्लाई करेंगे, कोई भी कोर्स अगर आप अनअकैडमी का परचेज करते हैं, UPPSC एंड UP SSSC की कैटेगरी में परचेज करते हैं, तो आपको मुझसे भी पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक, और ये कोड अप्लाई करने, कहीं भी कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो ये अप्लाई करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। खासकर मेरे द्वारा अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, खासकर दो ही सब्जेक्ट, पॉलिटी और हिस्ट्री, तो आप UPPSC एंड UP SSSC में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा उसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, खैर शुरू करते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा जरा सा कि कितने मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया कि अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट, 6 है ना, 6 फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी 6 हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, सबसे एक है राइट टू प्रॉपर्टी, सॉरी जो रिपील कर दिया गया यानी हटा दिया गया। ठीक, अब उसके अलावा जो 6 बचे हुए हैं उसमें देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ये हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, यानी 14 से लेके 18 तक। ठीक है, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम लोग पढ़ेंगे 19 से लेके 22 तक, अभी पढ़ेंगे, अभी मैं बस ऐसे बता दे रहा हूँ आपको ओवरव्यू। ठीक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हम लोग पढ़ेंगे 23 और 24 में, यानी अनुच्छेद 23 और 24 में। इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम लोग पढ़ेंगे 25 से लेकर 28 तक, यानी 25 से लेकर 28 तक। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ये हम लोग पढ़ेंगे 29 और 30 में। इसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 32 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी समझिए आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी उपचार आपके मौलिक अधिकारों का अगर वायलेशन होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा, मौलिक अधिकारों से सुरक्षा भी आपका मौलिक अधिकार है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी आपका कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये हम लोगों को इतने फंडामेंटल राइट अपने पढ़ने हैं। तो पहला फंडामेंटल राइट हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है? तो पहला हमारा शुरू हो रहा है भैया 14 से लेके 18 तक, यानी 14 से लेके 18 तक। तो बात समझिएगा, उसके पहले के दो आर्टिकल बचे, एक आर्टिकल 12 और एक आर्टिकल 13, ये दोनों आर्टिकल हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपने पहले फंडामेंटल राइट की तरफ बढ़ते हैं जो 14 से लेके 18 तक हमें पढ़ना है। पहले ये दोनों आर्टिकल हम लोग समझ लेते हैं, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला फंडामेंटल राइट क्या है? देखिए पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो फर्स्ट फंड सॉरी
पहला जो हमारा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में, यानी 12 से लेकर 35 तक कुल मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक, हालांकि पहला मौलिक अधिकार हम लोग यहां से पढ़ेंगे 14 से 18, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, लेकिन इसके पहले हम लोगों को दो आर्टिकल देखने हैं, आर्टिकल 12 और 13। देखो आर्टिकल 12 क्या कहता है सर, अभी मेरे मुंह से बार बार निकल रहा था कि मौलिक अधिकार को देने के लिए स्टेट बाध्य है ना, स्टेट को मौलिक अधिकार देना है, स्टेट के खिलाफ हम जुडिशियरी जा सकते हैं, यानी राज्य के खिलाफ हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो भाई ये तो बताना पड़ेगा ना राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा तो संविधान निर्माताओं को देनी ही पड़ेगी ना, तो सबसे पहले इसीलिए हम बता दे भाई इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, शुरुआत करने से पहले ही आर्टिकल 12 में सबसे पहले क्या कर दिया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट कर दिया, यानी राज्य की परिभाषा दे दिया कि व्हाट इज स्टेट, राज्य की परिभाषा, राज्य क्या है। हाँ क्यों दे दिया, क्योंकि भैया देखो जाहिर सी बात है राज्य अगर कोई काम करेगा तो उनके कार्यों को तब तक अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है जब तक मौलिक अधिकारों का हनन न हुआ, राज्य के कार्यों को तब तक अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी जब तक मौलिक अधिकारों का हनन न हुआ। अब एक बार समझिएगा जरा सा राज्य क्या है, तो इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें लिखा हुआ है द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया एंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट एंड लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी इन इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये देखो बात क्या कह रहा है, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, संघीय सरकार जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, एंड पार्लियामेंट और संसद क्या राज्य है, बोलो यस और नो। संघीय सरकार यानी कि थोड़ा इसको कम करते हैं पेन को, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड संसद राज्य है, यस और नो, यस बिल्कुल है। स्टेट गवर्नमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल है ना, राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर और राज्य सरकार, बताओ है, यस है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑल लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज मतलब नगर पालिका पंचायत, बताओ राज्य है, नगर पालिका पंचायत जिला बोर्ड राज्य है या नहीं है, यस और नो, यस डेफिनेटली। इसके अलावा अदर अथॉरिटीज है ना, अदर अथॉरिटीज में देखो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रिटेट भी किया है, इसकी व्याख्या भी की है, अन्य सभी निकाय है ना, वो चाहे लीगल हो, सॉरी वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है, चाहे स्टेचुअरी हो, अन्य सभी निकाय जैसे LIC, हालांकि अभी का सेंस मत पकड़िएगा उसमें, ठीक है कि अब बेच दिया गया ऐसा वैसा हो गया, ठीक है उसमें जज्बाती मत होइएगा, चलो छोड़ो। ONGC जैसे है ना, ONGC जैसे सेल है ना, ये जो सरकारी PSUs हैं ये तो राज्य हैं, यस है, क्लियर है। लेकिन एक बात ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट करते हुए कहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि कोई भी निजी इकाई, कोई भी प्राइवेट यूनिट या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, यानी जो बतौर स्टेट के इंस्टीट्यूशन काम कर रही हो, वो आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आएगी। यानी ऐसा कोई प्राइवेट यूनिट या ऐसी कोई एजेंसी जो बतौर द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट काम कर रही हो, यानी राज्य की एक संस्था के रूप में काम कर रही हो, वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में आएगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जुडिशियरी इज स्टेट और नॉट, न्यायपालिका राज्य है या नहीं है, ये आपके लिए सवाल है, आप लोग इसको कमेंट करिएगा, ठीक है, लाइव कमेंट में नहीं, नीचे वाले कमेंट में कमेंट करिएगा, ठीक है, अगर बाद में देख रहे हैं तो बाद में कमेंट करिएगा, लाइव में तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है, बाद में अगर जो लोग वीडियो देखें वो लोग भी कमेंट करेंगे कि जुडिशियरी इज द स्टेट और नॉट, ये आपके लिए सवाल है। मैं रोज एक सवाल पूछ के जाता हूँ, तो आज ऐसे आज एक सवाल ये भी मैंने पूछा है ना, न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत आती है या नहीं आती है, ये आपको बताना है। तो खैर चलिए, आर्टिकल 12 में आपको ज्यादा जज्बाती नहीं होना है, अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी करें तो बस आपको इतना याद रखना है कि क्या डेफिनेशन ऑफ स्टेट 12 में है और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, कार्यकारी या विधायी की कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, राज्य कहलाती है, भारत की संसद है ना, संघीय सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल क्या कहलाएगी, राज्य कहलाएगी, यानी स्टेट या लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी, ठीक, राज्य के अंतर्गत आएगी। और कोई भी निजी संस्था अगर राज्य के संस्था के तौर पे कार्य कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट करते हुए कहा है कि वो भी क्या है, राज्य, ठीक। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 13 पे, अनुच्छेद 13 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल 13 क्या कहता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 13 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, यानी इसका मतलब समझिएगा, ये बहुत मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक। आर्टिकल 13 इस बात की घोषणा करता है सर, आर्टिकल 13 इस बात को बताता है मेरे भाई
कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसी विधि जो बनेगी और वो मौलिक अधिकार को कम कर रही होगी या फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही होगी, फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर रही होगी, तो वो शून्य होगी, यानी वो जीरो होगी, लड्डू होगी, ठीक है। और हाँ, तो ये जीरो होगी, अरे जाहिर सी बात है सर, कोई कानून बना जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, जो मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण कर रहा है, मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है के खिलाफ है, के अगेंस्ट है, तो वो शून्य होगी। लेकिन ये शून्य होगी या नहीं होगी, तो आप लोग के मन में आ रहा है कि शून्य करेगा कौन, तो इस बात की समीक्षा भी तो कोई करेगा। यानी ये जो कानून बनेगा, कोई भी लॉ जो आएगा, ये लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या नहीं, इस बात की समीक्षा करने के लिए भी तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, इस बात को रिव्यू करने के लिए भी तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। तो रिव्यू कौन करेगा? हायर जुडिशियरी। हायर जुडिशियरी में कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ये जो समीक्षा करने की शक्ति है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इस बात को रिव्यू करने की जो पावर है कि मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट अगर कोई भी विधि या कोई भी कानून बनेगा तो शून्य होगा, उस पावर को हम क्या कहते हैं? यानी संविधान के खिलाफ, मौलिक अधिकारों के खिलाफ अगर कोई भी कानून आ रहा है, कोई भी लॉ आ रहा है, तो उसको रिव्यू करने का अधिकार, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने का अधिकार जो होता है, उसको समीक्षा करने का अथॉरिटी जो हायर जुडिशियरी के पास होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? जुडिशियल रिव्यू। उसको हम क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा। तो एक बात ध्यान देना, आर्टिकल 13 इसी बात की घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों को हनन करने वाली, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाली, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई भी लॉ, वो शून्य होगा। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी वो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब जुडिशियल रिव्यू यानी समीक्षा, किस बात की समीक्षा? कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है, इसी बात की समीक्षा को हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। और समीक्षा करने की अथॉरिटी कौन है? दो, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा कौन? हाई कोर्ट। क्लियर है? तो यानी सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट कैसे कर सकती है अंडर आर्टिकल 226। क्लियर है? तो ये है आर्टिकल 13 एक तरीके से देखा जाए तो। और ध्यान देना, आर्टिकल 13 में व्यापक रूप से लॉ शब्द को भी डिफाइन किया गया, यानी विधि की परिभाषा है ना, विधि की परिभाषा भी बताई गई है, जैसे कि विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है ना, लॉ के अंतर्गत क्या क्या आएगा, उस पर मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, वो आप जो है क्या कहते हैं लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें देखिएगा पूरा का पूरा, उसमें विस्तार से उसका वर्णन किया गया है, ठीक। उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें पॉलिटी का जो कंप्लीट कोर्स है उसमें पूरा का पूरा मैंने पढ़ाया है, इसके अंतर्गत सारी की सारी चीजें, सारे के सारे सिद्धांत। या नया कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, पीसीएस प्रीलिम का एक नया कोर्स आ रहा है, 4 तारीख से एक नया कोर्स आ रहा है, जिसमें सारे के सारे एजुकेटर 3 महीने का टारगेट बैच लेके आ रहे हैं। पीसीएस का टारगेट बैच आ रहा है 4 तारीख से, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा उसके लिए आपको। तो उसमें सारे टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैं पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस बैच में भी आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा का पूरा आपको विस्तृत वर्णन होगा उसका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले भी एक बैच आ रहा है 28 तारीख, हालांकि मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन हाँ ढेर सारे एजुकेटर उसमें भी हैं। 2 बैच जो है पीसीएस का लॉन्च कर रहा है अनअकैडमी, अभी टारगेट बैच, यानी कि ये जो एग्जाम आपका प्रीलिम का आने वाला है ना, नोटिफिकेशन आ गया ना पीसीएस का, हाँ इसके लिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, पहला फंडामेंटल राइट हम अपना पढ़ने की तैयारी करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जिसका नाम है क्या? राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। राइट टू इक्वेलिटी यानी समानता का अधिकार, कहाँ से लेके कहाँ तक भैया होगा ये? कहाँ से लेके कहाँ तक होगा? 14 से लेके 18 तक, यानी 14 से लेके 18 तक। राइट टू इक्वेलिटी समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक, 14 से लेके 18 तक, ठीक है। अब आर्टिकल 14 क्या कहेगा? आर्टिकल 14 ध्यान देना, आर्टिकल 14 कहता है सर, आगे है अभी 14 से 18 तक, ये देखिए आर्टिकल 14 आपके सामने लिखा, क्या कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की टेरिटरी में स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, विधि के समक्ष समता, इस आधार पर स्टेट बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेगी। देखो मैंने क्या कहा था कि नेचर निगेटिव है, हर जगह देखो क्या लिखा है, स्टेट सेल नॉट, स्टेट सेल नॉट, ना समझ में आ रहा है ना नेचर कैसे निगेटिव है। अब देखो
विधि के इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या, विधि के समक्ष समता। कोई व्यक्ति अमीर है, कोई मैं जैसे गरीब मास्टर हूं, कोई व्यक्ति अमीर है ना, इस आधार पे क्या कोई लीगली भेदभाव होगा क्या, कानूनन भेदभाव किया जाएगा क्या, कोई बहुत अमीर आदमी हम गरीब मास्टर है कुछ होगा, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कोई अधिकारी है डीएम है कोई गैर अधिकारी बेरोजगार है, इस आधार पर कोई भेदभाव करना ठीक है नहीं। दूसरा दूसरा क्या कह रहे हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब होता है सर विधि के समक्ष समान संरक्षण, विधि के समक्ष समान संरक्षण यानी सबको कानून के समक्ष इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा, यानी इक्वली जो है क्या कहते हैं व्यवहार किया जाएगा बिना भेदभाव के, सबके साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार किया जाएगा। क्लियर है, बिना भेदभाव के सबके साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे देखो, जैसे अभी एक कौन सा केस हुआ था वहां पर, जिसमें रेड्डी वाला जो केस था, डॉक्टर रेड्डी वाला, जिसमें पुलिस वालों ने गोली मार दी थी है ना, तो बिना उनको बिना किसी ट्रायल के बिना कोर्ट के सामने पेश किए हुए वो जो आरोपी थे उनको गोली मार दी गई। तो कुछ लोग कह रहे थे ना कि ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का उल्लंघन है विधि के समक्ष, क्योंकि हर आदमी को जो है ना इक्वल प्रोटेक्शन, सबको समान संरक्षण मिला है, तो बिना कोर्ट में सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, पुलिस को नहीं है, कोई पुलिस स्टेट नहीं है, डेमोक्रेटिक स्टेट है ना, कह रहे थे ना लोग, कह रहे थे कि ये भावनात्मक रूप से भले सही हो सकता है लेकिन संवैधानिक रूप से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान में विधि के समक्ष सभी को समान प्रोटेक्शन की बात की गई है, तो बिना कोर्ट ट्रायल के जो है क्या कहते हैं किसी को ऐसे मारा नहीं जा सकता। तो खैर चलिए, इस पे आपको जज्बाती नहीं होना, ये दो पॉइंट आप लोग इधर याद रखिएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, भैया भेदभाव नहीं होगा, गरीब हो अमीर हो ऊंचा हो नीचा हो अधिकारी हो गैर अधिकारी हो, इक्वल प्रोटेक्शन यानी विधि के समक्ष समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो अजमल कशाल हो, चाहे वो गरीब मास्टर हो, चाहे वो सलमान खान हो और उनका हिरन हो, ठीक है ठीक। अब नहीं, अब दर्द के साथ मत जाना कि नहीं ऐसा कुछ हो गया था, ऐसा कुछ हो गया था, कमेंट करने लगो कि ऐसे सर उनको तो नहीं हुआ था, तो अब सर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दर्द, वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले फंडामेंटल, अगले आर्टिकल पे, और अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 50। हालांकि देखो आर्टिकल 14 की कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, आर्टिकल 14 की कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट है ना, जैसे प्रेसिडेंट जो है क्या कहते हैं अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य के प्रति जवाब देने ही होता है ना, अरेस्ट अरेस्ट नहीं किया जाता, आप लोगों ने सुना होगा अंडर आर्टिकल 368, वहां जब पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। 361 के तहत देखो राष्ट्रपति राज्यपाल को कुछ विशेष जो है प्रिविलेज मिले हुए हैं, तो ये एक तरीके से इसका क्या है रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 14 का। अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी आर्टिकल व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टिकल 14 देन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड ऑल, ठीक आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कह रहा सर कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी अब एक बात समझिएगा जरा सर, आर्टिकल 15 सर आपने देखा होगा, इसके तहत एक मूवी भी है आर्टिकल 15, सिनेमा देखने में, सिनेमा मतलब सिनेमा है ना, आप लोग बहुत मतलब आगे रहते हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा ठीक, आप क्या हम लोग भी आगे रहते हैं है ना, इसमें जज्बाती मत हो जाना कि हमारे सारे आरोप हमारे ऊपर की लगा देते हो ठीक है। तो कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को प्रोहिबिट कर रहा है, यानी क्या रिलीजन धर्म के आधार पर, धर्म कोई हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। रेस मूल, मूल मतलब समझते हो नस्ल, नस्ल कोई काला है गोरा है पीला है नीला है हरा है गुलाबी है, नस्ल सिर्फ भैंस में ही नहीं होती आदमियों में भी होती है ठीक है। तो इस आधार पे कास्ट किसी जाति का हो, सेक्स है ना किसी लिंग का हो, महिला हो पुरुष हो, प्लेस ऑफ बर्थ कोई कहीं पैदा हुआ, कोई मसूरी में पैदा हुआ है उसके पास अच्छा ठंडा ठंडा है बढ़िया बढ़िया लकड़ी का घर है, ठंडा ठंडा स्थान पर पैदा हुआ है, तो उसको क्या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे क्या, भेदभाव करोगे क्या। तो कह रहे नहीं भैया, अनुच्छेद 15 इस बात की व्यवस्था करता है कि नागरिक के प्रति धर्म मूल वंश जाति लिंग इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। क्लियर है एक बार। और हाँ दूसरा, इसमें ढेर सारे क्लॉजेज है आर्टिकल 15 में, कोई भी नागरिक, कोई नागरिक केवल धर्म मूल जाति लिंग जन्म स्थान इसमें किसी आधार पे मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसके ढेर सारी क्लॉजेज होते हैं जैसे दुकान सार्वजनिक भोजनालय में प्रवेश वगैरह वगैरह से रिलेटेड इससे। लेकिन देखो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या जो है क्या कहते हैं सिर्फ ओवरव्यू है एक मौलिक अधिकार का ही आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसके में बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे। आर्टिकल 15 में मैं आपको इतना याद करा के चला जा रहा हूँ अभी कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी राज्य जो है क्या कहते हैं इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगी।
धर्म के आधार पे, मूल के आधार पे, जात के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी आखिर देखो। लेकिन स्टिल आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, अगर 15 के अदर क्लॉजेस में नहीं बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में स्टिल आ रहा होगा कि सर बहुत सारे तो होते हैं, स्टेट भी करती है। तो सर इसी आर्टिकल 15 को आगे बढ़ाया गया है, आर्टिकल 15 के बहुत सारे क्लॉजेज आगे बढ़ाए गए हैं, इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, संशोधन भी हुआ, जैसे रिजर्वेशन आप देखते हो ना, तो आर्टिकल 15 के आगे के क्लॉज ही कहेंगे देखना कि स्टेट सेल में एक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी ऐसे लोग जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है ना, SBEB है ना, ऐसे लोग जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। अभी तो देखो मोदी जी ने एक और ला लिया है ना, EWS, ऐसे लोग जो इकोनॉमिक वीकर है उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। तो ये इनके क्लॉजेस को आगे बढ़ाया गया है, तो इस वजह से यानी एक तरफ तो आर्टिकल 15 क्या कह रहा है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, और आगे के जो है क्या कहते हैं, आगे कुछ जो है क्या इसमें लिमिटेशंस लगाई गई है, यानी इस क्लॉज में कुछ आगे चल के क्या लगाई गई है, लिमिटेशंस लगाई गई है। उसी के तहत देखो रिजर्वेशन मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है, इसमें जज्बाती ज्यादा नहीं होना है। बाकी जो है क्या कहते हैं आर्टिकल 15, सर 1.5 घंटा लग जाता है पूरा का पूरा डिस्कस करने में, अगर सही तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा आर्टिकल 15 के अकेले डिस्कशन में 1.5 घंटा लग जाता है। तो अभी आपको जो है क्या कहते हैं ऊपर का ओवरव्यू याद रखना है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, राज्य भेदभाव नहीं करेगी इन आधारों पे, है ना, धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, काला गोरा पीला नीला, जाति लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधारों पे भेदभाव नहीं होगा। बाकी सारे के सारे क्लॉजेस पे एक दिन एक स्पेशल क्लास आएगी जिसमें पूरा का पूरा मैं 15 अच्छे से बता दूंगा आपको, ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल 16 पे आते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। भैया लोक नियोजन क्या होता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सरकारी नौकरी है ना, राज्य के अधीन अगर मान लो कोई भी वैकेंसी जनरेट होती है, स्टेट की कोई भी वैकेंसी अगर जनरेट होती है, कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो क्या आपके साथ कोई भेदभाव होगा क्या? किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर स्टिल आपके दिमाग में वही आ रहा होगा कि रिजर्वेशन वाई नॉट, तो रिजर्वेशन क्यों क्यों नहीं है ना, तो ये सारा आपके दिमाग में आ रहा हो। तो देखो एक बात समझना, इसी को आगे बढ़ाया गया है, कोई भी देखो मैंने क्या कहा कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, हर पे लिमिटेशंस लग सकती है, यानी उसको लिमिटेड किया जा सकता है, क्लियर है। तो आर्टिकल 16 कोई भेदभाव नहीं होगा भैया, जो आप IAS का फॉर्म बनना चाहते हो, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, मैं बहुत बिल्कुल स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ, मैं भी IAS का फॉर्म बनना चाहता हूँ, सर ऐसा इस आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि मास्टर एकदम जो है पुअर लग रहा है तो ये IAS फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता देता है आर्टिकल 16, किसकी अवसर की समानता देता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है इन पब्लिक इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। खैर चलिए, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी कहानी है ना, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी कहानी है, वो आपको मिलेगी जो है क्या कहते हैं आप पढ़ेंगे पूरा इन डिटेल, तो इससे रिलेटेड भी पूरी की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अभी इसका एक ओवरव्यू है, इसलिए ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। आर्टिकल 17, सर ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 17, कि कुछ दिन बाद देखना GS में ये सवाल पूछा जाएगा ना कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया है, तो ये 17 लगा क्या हो गया आप लोग, 17 छुआछूत का अंत, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, छुआछूत का अंत, ये तो आप जानते ही होंगे एकदम पूरा, एक तरह से देखा जाए तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस है ना, अनटचेबिलिटी जो है क्या कहते हैं क्या होगा, एक तरह से अपराध होगा जो विधि के तहत दंडनीय होगा। आज एकदम आर्टिकल 17 देखो, आज 70 साल हो गए हमारे भारत देश का संविधान बने हुए, लेकिन आज भी हम छुआछूत में जकड़े हुए, आज भी अनटचेबिलिटी में क्या हुए, जकड़े हुए। आर्टिकल 17 को एबॉलिश किया गया है, सॉरी आर्टिकल 17 कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, अंडर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को क्या किया गया है, अबॉलिश किया गया। आज भी देखो हमारे घरों में क्या होता है, जब लेबर वगैरह काम करने के लिए आते हैं या किसी के घर में कुछ काम करने के लिए कोई आता है तो अलग से ग्लास निकाल के रखते हो, अलग से कप निकाल के रखते हो, नहीं ये अलग से पिया दिया जाएगा, ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब फिर भी स्टिल आज भी देखो छोटा बहुत छुआछूत हमारे समाज में विद्यमान है ना। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भरी संविधान सभा में कहा था कि अनटचेबिलिटी बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, यानी बहुत बड़ा सोशल इविल है अनटचेबिलिटी, ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और इसके लिए एक कानून भी बना जो आपके यहाँ पूछा जाता है अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए, जिसका नाम है अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट, अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट 1955 है ना, छुआछूत उन्मूलन अधिनियम, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955, यानी अनटचेबिलिटी एवोल्यूशन एक्ट 1955, ये लॉ है जो है जो आता है। खैर चलिए,
आगे बढ़ते हैं। ईस्ट छुआछूत का आर्टिकल 17 सबको याद भी रहता है, ये आर्टिकल 17 और आर्टिकल 21 अक्सर लोगों को याद ही रहता है, ये छुआछूत का ये आपकी जिंदगी है ना, इसको लोग याद ही रखते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत पूछा जाता है आर्टिकल 17। तो आप किसी भी एग्जाम 90% तो मैंने इसको देखा है एग्जामों में, किसी न किसी माध्यम में, किसी न किसी वे में, किसी न किसी स्टेटमेंट में आ ही जाता है ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 18 सर ये उपाधियों का अंत करता है ना, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स उपाधियों का अंत करता है, यानी स्टेट जैसे मुझे बुलाए और मुझे मेरे नाम के आगे स्मार्टी लगा दे, टाइटल लगा दे कि भैया जो है स्मार्टी, मैं ही थोड़ी ना अकेले स्मार्ट हूँ, और भी सारे लोग स्मार्ट होंगे है ना, और मुझे बना दे रहे हो, बाकी सब लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हो, तो ये सारा कि मतलब ऐसा भेदभाव, सामाजिक भेदभाव ना क्रिएट हो, इसलिए एवोल्यूशन ऑफ टाइटल का कॉन्सेप्ट आया होगा ऐसा मुझे लगता है ना, कि उपाधियों का अंत का कॉन्सेप्ट आया होगा। आर्टिकल 18 का पहला क्लॉज कहता है कि नोट और कोई भी टाइटल, स्टेट कैन नॉट ग्रांट एनी टाइटल एक्सेप्ट डिफेंस एंड एजुकेशन, स्टेट कैन नॉट ग्रांट एनी टाइटल एक्सेप्ट डिफेंस एंड एजुकेशन, यानी क्या शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ के और सेना के क्षेत्र को छोड़ के राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगी है ना, शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ के, यानी शिक्षा के क्षेत्र में मिलती होगी यस है ना, देखते ही हैं आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरेट वगैरह है ना उपाधि मिलती है, और क्या कह रहा है डिफेंस यानी सेना के क्षेत्र को छोड़ के, सेना का क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ के स्टेट कैन नॉट ग्रांट एनी टाइटल यानी राज्य उपाधि नहीं देगी, क्लियर है। लेकिन ज्यादा जज्बाती मत हो जाइएगा कि भारत रत्न वगैरह पे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न पे आपको ज्यादा जज्बाती नहीं होना है, क्योंकि भैया सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रिटेट करते हुए कहा है कि ये जो भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, दीज आर नॉट टाइटल्स, ये अवार्ड है यानी ये पुरस्कार है ना, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल नाम के पहले, जैसे ये नाम है मेरा विपुल त्रिपाठी, तो मेरे नाम के पहले और मेरे नाम के बाद अगर जो है क्या कहते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है तब ये टाइटल माना जाएगा। हालांकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बैनर पोस्टर में ऐसा लिखा हुआ रहता है, गलत है, ठीक है, यानी इस तरह का नाम के पहले एज अ प्रीफिक्स और नाम के बाद एज अ सफिक्स इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बाकी ये भारत रत्न वगैरह ये कोई उपाधि नहीं है बल्कि क्या है, अवार्ड है यानी कि पुरस्कार है, क्लियर है। चलिए तो ये था आपका क्या पहला फंडामेंटल राइट आपका इसी के साथ समाप्त हुआ, यानी समानता का अधिकार आपका इसी के साथ समाप्त हुआ। 14 पढ़ा हम लोगों ने, 15 पढ़ा हम लोगों ने, 16 पढ़ा हम लोगों ने, 17 पढ़ा हम लोगों ने, 18 पढ़ा, ठीक है। 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। 15 कह रहा है कि भैया जाति धर्म लिंग आधार पर भेदभाव नहीं करेगी स्टेट। 16 कह रहा है कि समान अवसर मिलेगा सबको, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। 17 कह रहा है कि छुआछूत का अंत कर दो, और 18 कह रहा है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल यानी उपाधियों का क्या अंत, ठीक है, समझते हुए चलना है, कोई रट्टा नहीं मारना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। अगला देखिए हमारा क्या है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अब राइट टू फ्रीडम में कहां से लेके कहां तक, 19 से लेके 22 तक, यानी 19 से लेके 22 तक। अब राइट टू फ्रीडम बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वाक्यूम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम कुछ भी बोल सकते हैं ना सर, कुछ भी बोलने का मतलब, देखो एक बार ध्यान देना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको स्वतंत्रता मिली है, भारतीय संविधान के थ्रू आपको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं मिली है कि सामने वाले की स्वतंत्रता खा जाओ, है ना भैया, इतनी स्वतंत्रता नहीं मिली है कि सामने वाले की स्वतंत्रता खा जाओ, है ना, इतना एब्सोल्यूट नहीं है कि कुछ भी कर जाओ, स्वतंत्रता मिली है जो मन में आएगा वो करोगे क्या, राइट टू स्पीच मिला तो किसी को गाली दोगे, एक्सप्रेशन मिला किसी को चढ़ाओगे जाके ऐसे कर, हाँ। तो देखो क्या कहता है आर्टिकल 19 का पहला क्लॉज, क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक्यूम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका एग्जांपल आप लोग देखते हैं, देखो लोग, लेकिन एक्सप्रेशन का मतलब क्या, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है ना, लोग लिखते हैं चौकीदार चोर है ना, आज तक पे देखो कार्टून आता होगा, आज तक पे आपने कार्टून देखा होगा, एक्सप्रेशन का एग्जांपल दिखाई पड़ता है आपको, दैनिक जागरण में देखो कार्टून निकलता है ना, तो फ्रीडम वाक्यूम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पहला क्लॉज कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम जो है बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि क्या अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, जहां हम लिख के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, कार्टून बना के व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हाँ इस पर भी लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं, एकदम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है इस पर भी, और इसी की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी। और इसके अलावा आप लोगों से अगर ये पूछा जाएगा आर्टिकल 19 का पहले का पहला, राइट टू प्रेस है ना, ये बहुत पूछा जाता है आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का 1, ठीक, राइट टू प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी से रिलेटेड होता है, तो इसमें आप लोग को जज्बाती नहीं होना है, ये दोनों का दोनों आपको याद रखना है, ठीक। सेकंड क्या कह रहा है कि राइट टू असेंबल द पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी हम कहीं भी किसी भी जगह इकट्ठा हो सकते हैं, है ना भैया,
इकट्ठा होने का अधिकार है, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने का यानी इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन हथियारों के साथ नहीं। ऐसा नहीं कि पूरा AK-47 लेके इकट्ठा हो जाओ, जय महाकाल करने लगो, ठीक है। सनी है, इकट्ठा हो सकते हैं बट विद आर्म्स नहीं, विदाउट आर्म्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग फॉर्म द एसोसिएशन और यूनियन, हम कोई संगठन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, बिल्कुल सर बना सकते हैं। जो लोग देखो मेरी तरह ब्लैक टी शर्ट वाले हैं, आपस में एक एसोसिएशन बनाए, ऑल इंडिया ब्लैक टी शर्ट एसोसिएशन। जो लोग चश्मा लगाए हैं एसोसिएशन वाले हैं, ऑल इंडिया चश्मा एसोसिएशन, है ना। तो बिल्कुल बना सकते हैं सर, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, संघ समिति बना सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है इसके बाद, अगला क्या कह रहा है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी हम भारत देश में कहीं भी मूव कर सकते हैं, भारत देश की टेरिटरी में, भारत की ज्योग्राफिकल एरिया में हम राइट टू मूवमेंट है, हमको हम मूव कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इस पर राज्य लिमिटेशन नहीं लगा सकते, इसको लिमिटेड नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कहीं ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया, उनके कपड़े पहनने का ढंग अलग है, उनके रहने खाने का ढंग अलग है, वहां जाके आप एकदम दांत खोल के हंस रहे हो, ई हा हू हा, ठीक है। तो स्टेट कैन बाउंड भैया, मतलब सॉरी स्टेट कैन बाउंड बोल रहा हूँ, सॉरी स्टेट क्या कर सकती है, इसको इस पर लिमिटेशन लगा सकती है, यानी इसको कम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि राइट टू मूवमेंट है, राइट टू मूवमेंट का झंडा लेके कहीं भी पहुंच जाओ, ठीक, जहां मन के वहां पहुंच जाओ, राइट टू मूवमेंट हम राष्ट्रपति भवन में वहीं जाके जो है क्या कहते हैं डेरा डाल के बैठेंगे। तो चलो आगे आते हैं, टू रिसाइड एंड सेटल द एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी आप कहीं भी किसी भी जगह भारत देश की किसी भी जगह पे अपना जो है आवास निवास चुन सकते हो, ठीक है। कहीं भी निवास करने का अधिकार है आपको, घूमने का अधिकार है, बस जाने का अधिकार है ना, किसी भी क्षेत्र के भाग में आपको निर्बाध रूप में से घूमने का अधिकार है, बस जाने का अधिकार है, निवास करने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, आपको पता है कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो है क्या कहते हैं बिना अनुमति के ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो इस पे भी जज्बाती नहीं होना है आपको। जी क्या कह रहा है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, है ना, आपको क्या कि आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हो, कोई भी व्यवसाय, आप वृत्ति व्यवसाय कारोबार का अधिकार है। देखो आर्टिकल 16 आपको फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी देता था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई भी किसी भी सरकारी नौकरी में पार्टिसिपेट करने का, और इधर कह रहे हैं कोई भी व्यवसाय। लेकिन इन सब के बारे में एक बात याद रखना, क्वालिफिकेशन होना चाहिए सर, योग्यता आपके पास होना चाहिए, बिना योग्यता की नहीं है कि झंडा लेके पहुंच जाओ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 16 का, ठीक है। योग्यता होनी चाहिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है कि घर के बाहर बोर्ड टांग लो डॉक्टर गुलाटी, हमारे पापा डॉक्टर थे, सर्जन थे, तो हम महासर्जन है, थोड़ी लॉ किया नहीं है, बोलो हम वकील हैं, पता चला आपकी हाइट है 2 फीट की, आपका वजन है 10 किलो का, बोला हम इंडियन आर्मी में जाएंगे, हमको भारतीय संविधान राइट टू अपॉर्चुनिटी देता है, हम इंडियन आर्मी में जाएंगे, हमको बम की तरह इस्तेमाल कर लेना, ठीक, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो दे है आर्टिकल 19, ठीक। अब ये जो है एक तरीके से देखा जाए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे ई एफ यहाँ पे देखो गायब है, तो एफ वही था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड था सर, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था एफ, है ना, उसको रिपील कर दिया गया, और ये कहाँ चला गया, 300A में चला गया, इसीलिए देखो एफ गायब है, बाकी सारे के सारे क्लॉजेस क्या है दिए हुए हैं। इन सारे क्लॉजेस में आपको इन्फॉर्मेशन पूछेगा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार 19 पहले का पहले में याद रखेंगे, प्रेस भी स्वतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी में याद रखेंगे, क्लॉज 1 का 1 में आप याद रखेंगे, ठीक है 19। अब एक बार ध्यान दीजिएगा इसको, देखो समझिए इसको, समझिए, रटना नहीं है इसको, एकदम समझे से, मान लीजिए एक कहानी बना लीजिए, कोई भी एक कहानी बना लीजिए कि हम अपने दोस्त के यहाँ बोलने के लिए जाते हैं, हम अपने दोस्त के यहाँ बोलने बातचीत करने के लिए जाते हैं, फिर दोस्त के साथ बाहर निकलते हैं और चाय की दुकान पे इकट्ठा हो जाते हैं, फिर हम सब लोग एक साथ आपस में चाय पीने वाले लोग हैं, हम लोग अपना एक साथ चाय का यूनियन बना लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम चाय का यूनियन बनाने के लिए हम लोग एकदम घूमने के लिए जाते हैं, चलो गोवा चले गए हम लोग घूमने के लिए, गोवा हमको अच्छा लग गया, हम गोवा में घर बना लेते हैं, है ना। अब गोवा में हमने घर बना लिया तो हमको खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए, तो घर के सामने हम चाय की दुकान खोल लेते हैं, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, इसे कहानी बना लीजिए, दोस्त के यहाँ गए स्पीच एक्सप्रेशन के लिए, इकट्ठा हो गए, है ना, बाहर चाय की दुकान पे, चाय सब पीने वाले लोग हैं, हमने चाय का वो बनाया, ग्रुप बना लिया, चाय एसोसिएशन, सब लोग चाय एसोसिएशन घूमने के लिए गोवा चले गए, फिर वहाँ पे गोवा में हमने क्या बना लिया, घर बना लिया, फिर घर बनाने के बाद वहीं हमने चाय की दुकान खोली, मतलब ये इस तरह आप इसको मतलब इससे याद रख सकते हो, बस इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि बोल देना संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, जज्बाती मत हो जाना, मतलब याद करने का एक तरीका है छोटा सा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 20 के साथ चलते हैं। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन
फॉर ऑफेंसेस, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब क्या संरक्षण, देखो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो क्या संरक्षण आपको अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में मिला है, कौन सा प्रोटेक्शन आपको मौलिक अधिकार के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, कौन सा संरक्षण आपको भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के तहत प्रोवाइड करता है। इसके तीन क्लॉजेज हैं आर्टिकल 20 के, तो आर्टिकल 20 की ये जो तीन क्लॉज है बस यही तीनों आपको समझना है। पहला क्लॉज कहता है, जैसे मान लीजिए सर, मान लीजिए दो तरह के मामले होते हैं आपको पता है, एक को कहते हैं क्रिमिनल, एक को कहते हैं सिविल, है ना। क्रिमिनल मतलब चोरी डकैती हत्या, सिविल मतलब जमीन जायदाद विवाह तलाक, है ना। तो सिविल वाले को भूल जाओ, क्रिमिनल के मामले में हम लोग चलते हैं, सिविल वालों को इसमें इंक्लूड मत करना, क्रिमिनल है ना, फौजदारी के मामले, चोरी डकैती हत्या। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, मुझे ही मान लो, मैं गरीब मास्टर, मैंने आज मर्डर किया, मानना है, जज्बाती नहीं होना, मैंने आज मर्डर किया और आज मर्डर के लिए लॉ कह रहा है कि 10 साल की सजा होगी, लेकिन हमारा केस चल ही रहा था और बीच में ये बदल गया और फिर लॉ ने कह दिया कि नहीं अब 10 साल की सजा नहीं, लॉ बदल गया यानी 20 साल हो गया। तो एक बात बताओ, जब कोर्ट जजमेंट देगा यानी कोर्ट का जब निर्णय आएगा तो हमें सजा कितने दिन की सुनाई जाएगी, 10 साल की या 20 साल की? 10 साल की सुनाई जाएगी, 20 साल की नहीं। इसका मतलब जिस समय क्रिमिनल के केसेस में जिस समय हमने अपराध किया है उसी समय के लॉ के अकॉर्डिंग हमको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। जिस समय हमने अपराध किया है उसी समय के लॉ के अकॉर्डिंग हमको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। और ऐसे किसी कृत्य के लिए हमको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो क्राइम नहीं है। ऐसे किसी कार्य के लिए हमको दंडित नहीं किया जाएगा। मच्छर मारने की सजा होती है क्या? नहीं है। क्यों नहीं होती भैया? क्राइम नहीं है। ऐसे किसी भी कृत्य के लिए हमको दंडित नहीं किया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट है सर। ऐसे किसी काम के लिए हमको पनिश नहीं किया जा सकता है जो अपराध नहीं है, जो क्राइम नहीं है, ठीक है। हाँ, जिसके लिए लॉ नहीं है, जिसके लिए कोई लॉ नहीं। अगर कोई भी लॉ अगर किसी काम को क्राइम कहता है तभी उसके लिए हमको पनिश किया जा सकता है ना। अगर कोई लॉ किसी भी काम को गलत कहता है तभी उसके लिए हमें पनिश किया जा सकता है ना। बाकी ऐसे किसी कृत्य के लिए हमें पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है देखो, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी कि एक ही अपराध के लिए आपको बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। ये तो आपको पता है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है कि एक ही अपराध के लिए, एक ही क्राइम के लिए आपको बार बार पनिश नहीं किया जाएगा, यानी आपको बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा कह रहा है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड, क्या यानी आपको आप ही के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जाएगा, आपको आप ही के खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जाएगा, आपको आप ही के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ठीक है। कहता तुम बोलो, तुमने ही किया है, आपको आप ही के खिलाफ गवाह तो बना दिया जाए, नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ध्यान देना, कि आपका DNA टेस्ट नहीं करा सकते। हाँ, अब ये मत कहना कि मेरा आई प्रिंट ले लिए, मेरा फिंगर प्रिंट ले लिए, मेरा बाल मूंछ लिए हमारा DNA टेस्ट कराने के लिए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकता है। हाँ, मौखिक रूप से आपको आप ही के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। ये 20 के आर्टिकल 20 के तीन क्लॉजेज हैं जो आपको क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस, यानी अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में प्रोटेक्शन, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग अगले आर्टिकल के साथ। अगला आर्टिकल कह रहा है आर्टिकल 21, सर ये आपकी जिंदगी है ना, ये एक तरीके से देखा जाए राइट टू लाइफ है। नो पर्सन शैल बी डिप्रिव्ड फ्रॉम, क्या कह रहे हैं, नो पर्सन शैल बी डिप्रिव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या बोल रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। एक बात समझिएगा, आपके जीवन के अधिकार, बहुत ध्यान से समझना आर्टिकल 21 का कॉन्सेप्ट, आपके जीवन के अधिकार को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक ऐसा कोई लॉ एस्टेब्लिश होकर बोले ना, यानी आपके जीवन के अधिकार को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कोई लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत ऐसा कुछ ना हो। मतलब नहीं समझ रहे होगे आप लोग, देखो भैया आपको फांसी कब लगती है, जब आप कोई अपराध करते हो और उस अपराध के लिए कोई लॉ कहता है, कोई कानून कहता है कि फलाना अपराध के लिए क्या होना है, फांसी, तो उस कानून के तहत आपको जुडिशियरी क्या सुनाती है, फांसी की सजा सुनाती है। तो कौन कह रहा है ऐसा,
ये फांसी की सजा आपको किसके तहत हो रही है? किसी लॉ के तहत हो रही है ना, किसी कानून के तहत हो रही है ना। और ये कानून क्या है? इट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, यानी ये विधि के द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है ना, लॉ के द्वारा, विधि द्वारा एक स्थापित प्रक्रिया है। और विधि द्वारा स्थापित यानी लॉ के द्वारा स्थापित कोई प्रोसीजर है, लॉ के द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कह रही है कि आप ऐसा करोगे तो आपको फांसी होगी, तभी तो आपको फांसी दिया जा रहा है। नहीं तो वही कह रहा है आर्टिकल 21 कि आपको आपके जीवन के अधिकार से तब तक नहीं वंचित किया जा सकता जब तक विधि द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया ऐसा ना कहे। यानी कोई लॉ अगर कह रहा है, कोई अगर लॉ आपको कह रहा है कि आपने किसी को एक थप्पड़ मारा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, तो अगर कोई लॉ ऐसा एस्टेब्लिश है तब भी आपके जीवन के अधिकार को आपसे छीना जा सकता है, नहीं तो नहीं। अब एक बात ध्यान देना, हमारे भारत देश में राइट टू लाइफ है लेकिन राइट टू डेथ है क्या? नहीं, राइट टू डेथ नहीं। जज्बाती मत हो जाना, कूद मत जाना हाथ में हाथ डाल के, ठीक है, क्योंकि राइट टू लाइफ, राइट टू डेथ एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस है। हाँ, एक बात जरूर है कि पैसिव एथनेसिया, पैसिव एथनेसिया यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो मान लीजिए सुरक्षा संयंत्र यानी वेंटिलेटर पे पड़ा है और डॉक्टर ने बोल दिया है भैया कि अब ये जिंदा नहीं हो सकता। क्या अक्सर ऐसा होता है ना, आप लोग देखते हैं एक्सीडेंट केसेस में ब्रेन डेड हो जाता है, बाकी सारा का सारा शरीर चल रहा होता है, लोग बहुत दिनों तक वेंटिलेटर पे पड़े रहते हैं, सबको पता रहता है कि अब ये जिंदा नहीं हो सकते। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला पैसिव एथनेसिया बोलते हैं, ऐसे केसेस में इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। यानी कोई व्यक्ति सुरक्षा संयंत्र पे है, वेंटिलेटर पे पड़ा है और जो है अब सही नहीं हो सकता है, डॉक्टर ने भी बोल दिया नहीं सही हो सकता है, तो ऐसे केसेस में इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। इसको पैसिव एथनेसिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले एक केस में लीगल करा दिया है। बाकी आर्टिकल 21 के तहत जो है विदेश यात्रा का अधिकार, ध्यान दीजिएगा, विदेश आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया, ठीक है। अब विदेश यात्रा का अधिकार मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोग इसको आर्टिकल 19 से रिलेट कर देते हो, क्योंकि ये राइट टू मूवमेंट है, इसमें आने जाने का अधिकार आर्टिकल 19 में, तो आप लोग उसमें आपको लोग क्या कर देते हो, रिलेट कर देते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरप्रिटेशन है, कहीं लिखा नहीं है 21 में, है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विदेश यात्रा का अधिकार, और एक बड़ा फेमस है सर प्रिवेशी, है ना, प्रिवेशी बड़ा फेमस है आपका, राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार। तो निजता का अधिकार भी आपका कैसा अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है, यानी निजता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। ये किसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, निजता का अधिकार यानी आपका फोन कॉल टैप नहीं हो सकता, आपके फेसबुक मैसेजेस व्हाट्सएप मैसेजेस कोई नहीं देख सकता है, कोई नहीं हैक कर सकता है ना, सीधे चला जाना सुप्रीम कोर्ट, चले जाना अंडर आर्टिकल 32, ये हमारा देखा, हमारा फोन टैप कर लिया, ऐसा कर लिया, यानी जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह जीवन महत्वपूर्ण है उस तरह जीवन में निजता भी महत्वपूर्ण है, यानी जीवन में प्राइवेसी भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट और नॉट, यानी राइट टू प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार है या नहीं, तो क्या बोलोगे आप लोग, यस और नो, तो डेफिनेटली यस, राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए बहुत सारी चीजें कहा है, बहुत सारी बताया है, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, ठीक है, और सुनवाई का अधिकार, ठीक है, सोने का अधिकार, शयन का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, तो ये सब व्याख्या है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। चलिए, खैर आर्टिकल 21 में आपको याद रखना है, ये जिंदगी है सर, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है या नहीं, तो डेफिनेटली है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 21 ए के साथ। तो आर्टिकल 21 ये है सर, राइट टू एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा सर, इसमें ए लगा है, कैपिटल ए लगा है, अगर ऐसा कहीं लगा रहे तो आप समझ जाया करिए कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, है ना, इसको बाद में ऐड किया गया, तो डेफिनेटली इसको बाद में ऐड किया गया। और कब ऐड किया गया, तो इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था, और उस संविधान संशोधन का नाम है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी इसके लिए 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल ऐड हुआ 21A, और इसमें क्या रखा गया, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसमें है क्या, 6 to 14 year चिल्ड्रन, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पैसी शिक्षा, कंपल्सरी एजुकेशन यानी अनिवार्य शिक्षा, और फ्री एजुकेशन यानी कि मुफ्त शिक्षा। 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान देना, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जिनको सर लागू कराने के लिए कानून बनते हैं, जिसको लागू करने के लिए संसद क्या बना सकती है, विधि बना सकती है संसद, ध्यान देना, है ना, संसद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए विधि बना सकती है,
है ना, कुछ ऐसे। अब डायरेक्ट लिखा राइट टू एजुकेशन 6 से चले के 14 वर्ष तक किया कि बच्चों को फ्री एजुकेशन, तो ऐसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट तो हो नहीं सकता ना। तो इसको लागू करने के लिए संसद ने एक लॉ बनाया जो बड़ा फेमस है, उसका नाम है आरटीई एक्ट, यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009, है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसके लिए कानून कब बना, तो ये बना 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और ये पूरी तरह से लागू कब हुआ, तो 2010। इससे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल, शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है या नहीं, तो यस डेफिनेटली है। कब हुआ, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हुआ संवैधानिक रूप से। अच्छा, क्या मिला है, तो 6 से 14 वर्ष तक किया है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा और कंपलसरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा। और इसके लिए कानून कब बना, 2009 में। कानून का नाम क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और दूसरा पॉइंट इसमें कि ये पूरी तरह से लागू कब हुआ, तो भैया ये पूरी तरह से लागू कब हुआ, 2010 में लागू हुआ पूरी तरीके से, यानी 2010 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 22। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे 22 तक, इसके बाद फंडामेंटल राइट का दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक। आज 22 तक ही पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, कुछ विशेष दशाओं में। इसमें मैं बहुत ज्यादा निवारक निरोध की तरफ नहीं जाऊंगा इसमें 22 में, बस हाँ 22 में आपको एक ओवरव्यू लीजिए कि आर्टिकल 22 क्या कह रहा है, कि कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण मिला हुआ। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको अरेस्ट किया जाए, आप मान लो कहीं भी खड़े होकर रसगुल्ला खा रहे थे, आपको अरेस्ट कर लिया गया, मतलब पुलिस आई आपको अरेस्ट करने, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द रीजन, ना कारण बताओ। तो कारण जानने का अधिकार भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, कारण आपको जान सकते हो आप, ठीक है। आपको अरेस्ट किया गया 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है ना, ये आप जानते हैं। इस 24 घंटे में जाने और आने का समय शामिल नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और आप अपना लॉयर रख सकते हो, यानी आप अपना वकील रख सकते हो, ठीक है। दीज आर द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 22, एक बार ध्यान दीजिएगा सर। तो ये एक तरह का जो है क्या है, संरक्षण है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, हम लोगों ने आज दो फंडामेंटल राइट अपने पढ़े, एक राइट टू इक्वलिटी पढ़ा 14 से लेकर 18 तक, ठीक, और एक पढ़ा राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक, ठीक। और हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, और हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, ठीक। और फीचर्स पढ़े हम लोगों ने, विशेषताएं यानी मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल होते हैं, वादियोग्य होते हैं, कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। नेचर कैसा है, इसका नेगेटिव या पॉजिटिव, किसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है, यानी नेचर नकारात्मक है, ठीक है। क्या मौलिक अधिकार पूरी तरह से परफेक्ट होते हैं, नहीं, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। क्या मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कानून भी बनाया जाता है, तो यस, संसद मौलिक अधिकारों को एग्जीक्यूट करने के लिए लॉ भी बना सकती है। 35 पढ़ेंगे आर्टिकल 35, तो आपको बताएंगे, ठीक। इसके बाद देखिएगा सर, इसके बाद हम लोग कल जो है आगे की क्लास में हम लोग दो फंडामेंटल राइट जो हमारा बचा 3, वो हम लोग पढ़े, 2 आज पढ़े, 4 जो बचा सारा का सारा 4 हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक। तो उससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि अगर आप पूरा का पूरा कंप्लीट पॉलिटी मेरे से पढ़ना चाहते हैं, पूरा जैसे कि सारे क्लॉजेस के सहित, अभी आप लोग जैसे फंडामेंटल राइट का ओवरव्यू पढ़ रहे थे, उसमें पूरा का अगर आप पीसीएस प्रीलिम लेवल का पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी की UPPSC एंड UPSSSC की कैटेगरी में है ना, अगर आप UPPSC एंड UPSSSC की कैटेगरी में अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो मेरे से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा 2 सब्जेक्ट, एक पॉलिटी और दूसरा क्या, हिस्ट्री। और PCS का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से PCS का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप जो है क्या कहते हैं इनरोल कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा फी स्ट्रक्चर है, एक महीने का 1400, 3 महीने का 3500, 6 महीने का 5600, और 12 महीने का 7000, और 24 महीने का 8400, ठीक है। और उसमें आप, अब एक बात ध्यान देना, ये 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का मतलब ये है कि अगर आप 1 महीने का कोई कोर्स लेते हैं, आप 1 महीने के लिए सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, सारे एजुकेटर के रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, सारे एजुकेटर के लाइव वीडियो देख सकते हैं, जो पुराने हैं, नए हैं, जो अपकमिंग हैं, जो आ रहे हैं, सारे के सारे देख सकते हैं। यानी पूरे के पूरे जितने भी जिस कैटेगरी में आप एडमिशन लेते हैं, उस कैटेगरी के सारे वीडियो अनलॉक हो जाते हैं, ठीक है, कोई लॉक नहीं रहता है। तो बात समझिएगा, अगर आप ये 12 महीने का और 24 महीने का लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका बहुत फायदा होता है। पहली चीज तो ये कोड अगर आप अप्लाई करेंगे Vipul10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक। दूसरा, ये आप 24 महीने का 8400 का है, और आपको 7,750 रुपये का पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप 24 महीने तक लगातार पढ़ सकते हैं, यानी 24 महीने तक आप एक नहीं, एक सब्जेक्ट के ढेर सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। जैसे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो GS पढ़ाते हैं, मैथ्स के भी एक से अधिक टीचर हैं, रीजनिंग के भी एक से अधिक टीचर हैं, इंग्लिश के भी एक से अधिक टीचर हैं। तो ऐसे लोग जो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, पुलिस, वीडियो, ऐसे लोग भी इसी कैटेगरी में एडमिशन लें। और बाकी लोग जो लोक सेवा आयोग के प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग PCS प्रीलिम का मेंस की तैयारी कर रहे हैं,
है ना, ऐसे लोग जो लोअर पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो उनके लिए तो बना ही है ये, उनके लिए तो ये बना ही है। जो लोग जो है यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये कैटेगरी बनी ही है कि यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज सर जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, ठीक है, और पढ़िए। और इस समय जो है क्या कहते हैं, वैसे ही हमारा देश जो है क्या कहते हैं, बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है, तो आप सभी लोग देश के साथ रहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है सपोर्ट करिए स्टेट को, यानी देश को सपोर्ट करिए, है ना, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।